हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको मोनो ऑडियो के ठीक सामने जो बटन दे रखा है इसे सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब देखिए सेटिंग काम कैसे करती है मोनो ऑडियो, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोनो ऑडियो के ठीक नीचे आपको ऑडियो बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ना, ये मोनो ऑडियो का ही पार्ट है, इसी का हिस्सा है ऑडियो बैलेंस, ठीक है। तो ऑडियो बैलेंस के नीचे देखिए लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है ना, लेफ्ट और राइट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ना ईयरफोन्स है, ठीक है। ईयरफोन्स पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ होता है, देखिए एल और आर। मैं आपको फोकस कर देता हूँ इसको, ये देखिए एल और आर लिखा हुआ है ना, ये हमारे ईयरफोन का लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट होता है। अगर आपके ईयरफोन पे एल और आर नहीं लिखा हुआ तो भी ये चलेगा। आपके पास कोई से भी ईयरफोन है, ठीक है, चाहे वो वायर वाले ईयरफोन है, चाहे वो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, चाहे आपके पास कोई भी हेडफोन है, ठीक है, ये सभी में सेटिंग काम करती है। कैसे, देखिए हम जो है ना अपने ईयरफोन को जब भी अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम अपने ईयरफोन की जो ऑडियो को ना बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एक ईयरफोन में हम जो है आवाज़ को कम कर सकते हैं और दूसरी ईयरफोन में हम आवाज़ को रख सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी ईयरफोन की हम किसी भी एक ईयरफोन की हम जो है आवाज़ को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे, देखिए आप अपने ईयरफोन को कनेक्ट कीजिए अपने फ़ोन के साथ और आप अपने फ़ोन में ऑडियो वीडियो, ठीक है, कुछ भी सुन रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो फोन जैसे ईयरफोन को कनेक्ट करेंगे तो ऑडियो बैलेंस में जो पॉइंटर दे रखा है ना, इस पॉइंटर को आपको अगर लेफ्ट में करेंगे इस तरीके से, तो आपके लेफ्ट वाले ईयरफोन में आपको जो है ना ऑडियो कम सुनाई देगा, ठीक है, ठीक है। और राइट वाले में ऑडियो, लेफ्ट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई देगा और राइट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो कम सुनाई देगा, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंटर को इसे राइट में कर देते हैं तो आपको राइट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई देगा और लेफ्ट वाले में कम ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है, आवाज़ कम आएगी लेफ्ट वाले में से, ठीक है। तो इस पॉइंटर को आप जहाँ कहीं भी रख लेंगे ना, तो उस वाले उसके अपोजिट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो बैलेंस कम सुनाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मोनो ऑडियो सेटिंग के जरिए आप अपने ईयरफोन को ईयरफोन की ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंटर को बीचों बीच कर देंगे तो आपके दोनों ईयरफोन में से ऑडियो बैलेंस बराबर सुनाई देगा, यानी कि आवाज़ बराबर आएगी दोनों ईयरफोन्स में से, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना आप यूज़ करके देखिए, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आ पाएगी, ठीक है।